ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने बिलासपुर में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस झूठ बोलने की सरकार है और लोगों को झूठ बोलकर ठगना चाहती है, लेकिन जनता सब जानती है और उनके बहकावे में इस बार नहीं आने वाली। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर क्रिकेट के खिलाड़ी के साथ साथ राजनीति के खिलाड़ी भी हैं और जिस तरह वे क्रिकेट की पिच पर चौके छक्के लगाते हैं, उसी तरह लोकसभा चुनाव के मैदान में भी वे इस बार जीत का चौका लगाएंगे। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक रणधीर शर्मा ने स्वारघाट में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की हर पंचायत हर गांव में अपनी सांसद निधि से विकास करवाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठ बोलने की सरकार है और लोगों को झूठ बोलकर ठगना चाहती है, लेकिन जनता सब कुछ जानती है और इस बार इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर क्रिकेट के खिलाड़ी के साथ साथ राजनीति के खिलाड़ी भी हैं और जिस तरह वे क्रिकेट की पिच पर चौके छक्के लगाते हैं, उसी तरह लोकसभा चुनावों के मैदान में भी वो इस बार जीत का चौका लगाएंगे। प्रदेश प्रवक्ता ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि अनुराग ठाकुर ने अपने संसदीय क्षेत्र में अपने संसाधनों से तीन महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जो कि आज तक देश के किसी भी सांसद ने नहीं चलाई है और ना ही ऐसी योजनाओं के बारे में सोचा है। ये तीनों योजनाएं सांसद स्टार खेल महाकुंभ, सांसद मोबाइल स्वास्थ्य योजना व सांसद भारत दर्शन योजना है। प्रदेश प्रवक्ता ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि आगामी लोकसभा चुनावों की दृष्टि से कांग्रेस पार्टी द्वारा जारी घोषणा पत्र से सिद्ध होता है कि कांग्रेस पार्टी देशद्रोहियों और आतंकवादियों का साथ दे रही है। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में वायदा किया गया है कि वे सत्ता में आते ही धारा 124A को समाप्त कर देंगी। इस धारा के अंतर्गत देशद्रोहियों और आतंकवादियों को सजा का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और देशद्रोहियों और आतंकवादियों के खिलाफ कठोर कानून बनाए हैं तथा कार्रवाई भी की है। इस लोकसभा चुनाव की दृष्टि से कांग्रेस पार्टी द्वारा जारी घोषणा पत्र से सिद्ध होता है कि कांग्रेस पार्टी का हाथ देशद्रोहियों व आतंकवादियों के साथ है, क्योंकि उन्होंने सत्ता में आने पर धारा 124A को समाप्त करने की बात कही है, जिसमें देशद्रोहियों आतंकवादियों को सजा का प्रावधान है। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार के समय में देशद्रोहियों आतंकवादियों के खिलाफ कड़ा कानून ही नहीं बनाया बल्कि कड़ी कार्रवाई भी की है। हमारे जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व कर्तृत्व है, उसके कारण आज पूरे देश में मोदी लहर चली हुई है और हमारे यहाँ भी हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार ने अपने 1.25 साल के कार्यकाल में अनेक जनहित की, प्रदेश हित की योजनाएं शुरू की हैं, जिसके आधार पर हम विश्वास से कहते हैं कि हम हिमाचल प्रदेश में चारों की चारों सीटें जीतेंगे और ये हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की सीट तो हम भारी बहुमत से जीतेंगे, क्योंकि इसमें तो कांग्रेस ने ही हार मान ली है। उनके जो दिग्गज नेता हैं उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। जो चुनाव लड़ रहे हैं वो कह रहे हैं मैं मजबूरी में चुनाव लड़ रहा हूँ, और अनुराग ठाकुर जी 3 बार सांसद रहे हैं, उन्होंने जनता के हित में काम किए हैं और वो निश्चित रूप से इस बार चौथी जीत दर्ज करके चौका लगाएंगे